हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कोचिंग रिपेयर वर्कशॉप्स मानचेश्वर के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ईस्ट कोस्ट रेलवे ECOR के अंतर्गत जो कोचिंग रिपेयर वर्कशॉप मानचेश्वर आते हैं वहाँ पर ये पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि LDC 25% कोटा के अंतर्गत पेपर कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें एग्जाम डेट की तो अभी 21 मार्च 2021 को ये पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें इस पेपर के अंतर्गत नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था। जिसके लिए बात करें अगर तो कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था और साथ ही साथ इस पेपर में जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे वह 100 रखे गए थे, यानी जो प्रत्येक प्रश्न थे वह 1 मार्क्स के थे। और इसमें अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर अगर बात करें तो पूछे गए हैं इन आर्क वेल्डिंग आइज नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, यानी आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत जो हमारी आँखी होती है उसे प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होता है जब वेल्डिंग करते समय, तो उस समय जो हमें रिक्वायरमेंट होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो हमारा आर्क वेल्डिंग जब किया जाता है उस दौरान जो हमारा जो रेडिएशन निकलता है इससे वह लगभग 200 नैनोमीटर से लेकर 1400 नैनोमीटर तक का किससे रेडिएशन निकलते हैं, जो कि इसके अंतर्गत अगर बात करें हम तो मेनली हमारा अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल लाइट्स और जो इंफ्रारेड जो रेडिएशन है वो तीनों तरह के रेडिएशन इससे निकलते हैं। तो यहाँ पर बात करें हम तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में इस प्रकार का दिया गया है कि इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस दोनों से हमें प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होता है जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हम इलेक्ट्रोड की कोटिंग के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फ्लक्स बोला जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर इन आर्क वेल्डिंग इज, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रोड का डायमीटर का सिलेक्शन किया जाता है उसके लिए क्या मेन क्राइटेरिया आर्क वेल्डिंग में है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जब भी हम इलेक्ट्रोड के डायमीटर की अगर सिलेक्शन की अगर बात करें तो इसमें ली जो हम देखते हैं वो हम थिकनेस ऑफ मटेरियल को चेक करते हैं, साथ ही साथ वो हमारा जो एड जो प्रिपेशंस होता है जॉइंट्स के समय, साथ ही साथ वेल्डिंग के पोजीशंस हो या वेल्डर्स के स्किल्स हो, ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस प्रकार के ऑप्शन देखें अगर तो थिकनेस ऑफ मटेरियल यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द करेंट वैल्यू इज डिसाइडेड बाई, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि आर्क वेल्डिंग में जो करेंट वैल्यू का प्रोसेस जो डिसाइड किया जाता है वो कैसे किया जाता है, तो वो जो हमारा साइज ऑफ इलेक्ट्रोड के द्वारा डिसाइड किया जाता है, जिसे हम कोर डायमीटर भी बोलते हैं, साथ ही साथ वेल्डिंग के पोजीशन से भी हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डिस्ट्रोशंस इन वेल्डिंग्स अकर्स ड्यू टू, यानी जो वेल्डिंग में जो डिस्ट्रेशन विकृति जो आता है वो इसका क्या कारण हो सकता है, तो इसका कारण हो सकता है कि जो जो क्लैंपिंग करते हैं हम वेल्डिंग करने के लिए वो काफ़ी इम्प्रॉपर रूप से किया गया हो या इम्प्रॉपर मेथड्स के द्वारा किया गया हो, तो यहाँ पर यह मेनली कॉजेज हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इम्प्रॉपर क्लैंपिंग मेथड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्लेम ऑक्सीजन इज ऑफ सेम प्रोपोर्शंस विथ एसिटिलीन, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस प्रकार के जो बिल्डिंग्स यानी फ्लेम्स में
ऑक्सीजन का अनुपात एसिटिलिन के मुकाबले सेम होता है। तो इस प्रकार की अगर बात करिए तो इस जो न्यूट्रल हमारा होता है, न्यूट्रल जो फ्लेम होते हैं उसमें हमारा ऑक्सीजन भी 1:1 में होता है और जो हमारा एसिटिलिन भी होता है वो 1:1 में होता है, यानी 1:1 के रेस्पेक्ट में दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो न्यूट्रल फ्लेम, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें न्यूट्रल फ्लेम की तो इसका प्रयोग जो बेल्ट करने के लिए किया जाता है उसमें माइल्ड स्टील हो या स्टेनलेस स्टील हो या कास्ट आयरन हो या कॉपर हो या अल्मोनियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें या बेल्डिंग करने में कारगर साबित होते हैं न्यूट्रल फ्लेम। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन आर्क वेल्डिंग टेम्परेचर ऑफ फ्लोइंग ऑर्डर में बी जनरेटेड, यानी आर्क वेल्डिंग में जो टेम्परेचर जनरेट होता है या जनरेट हो सकता है वह टेम्परेचर क्या है? तो वह 5500 डिग्री सेल्सियस, यानी 5500 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, आर्क वेल्डिंग यूजेज फ्लोइंग इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी जो आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है या इलेक्ट्रिक सप्लाई जो यूज करता है आर्क वेल्डिंग वह एसी यानी अल्टरनेटिंग करेंट्स या डीसी एंड डायरेक्ट करेंट दोनों यहां पर हो सकते हैं, यानी बोथ एसी एंड डीसी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर कटिंग ऑपरेशन, यानी कटिंग ऑपरेशंस के लिए किस प्रकार का फ्लेम सुटेबल है? तो यहां पर यह मेंशन नहीं किया गया है कि यह फ्रेश मेटल्स के लिए ऑपरेशन है या नन फेरस के लिए है। यहाँ पर हम बात करें मेनली जो न्यूट्रल फ्लेम का हम यूज करते हैं वह खासकर हम फेरस मेटल के कटिंग करने के लिए यूज में लेते हैं, और इसके अलावा अगर बात करें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की तो वह हमारा नन फेरस मेटल जैसे कि ब्रासेस या जो ब्रॉन्जेज वगैरह होते हैं उसको कटिंग करने के लिए हम यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मेनली देखा जाए कटिंग ऑपरेशंस के लिए जो प्रॉपर ज़्यादातर उपयोग में लिया जाता है वह न्यूट्रल फ्लेम ही लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, टू रेसिस्ट रोलिंग मोशन ऑफ कोच द फ्लोइंग इज प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोचेज, यानी कोच के रोलिंग मोशंस को रेसिस्ट करने के लिए जो एलएचबी कोच में प्रोवाइड होते हैं उसे यो डैम्पर्स बोलते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मेनली इस प्रकार के शेप में होता है, यह बोगी जो फिएट बोगी लगे होते हैं वह हमारा अपर वाले जो बॉडी है कोचेज का दोनों से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और यह जो कोच के रोलिंग मोशन है उसको प्रिवेंट करने यानी रेसिस्ट करने का काम यह करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी जो नंबर्स होते हैं वह यो टेम्पर्स की वह 2 की संख्या में प्रत्येक बोगी और 0-4 की संख्या में प्रत्येक कोचेज में होते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम में आपसे नंबर भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, इन एलएचबी कोचेज रूफ स्ट्रक्चर साइड बल्ब एंड इल बल्ब मेड ऑफ, यानी जो एलएचबी कोचेज में जो रूफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, रूफ सीट की यहां पर बात नहीं की जा रही है तो आप यहां पर प्रश्न से कंफ्यूज ना हो। रूफ स्ट्रक्चर जो अंदर वाली लेयर होती है, साइड वाल्व और इंड वाल्व का जो मटेरियल यूज किया जाता है कोचेज को निर्माण करने के लिए वह मेनली फेरेटिक स्टील होता है। फेरेटिक स्टील का यूज किया जाता है जिसे हम अन्य अगर बात करें अदर नेम में तो यह इस S40M के नाम से भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, एलएचबी कोच ऑफर्स बेटर पैसेंजर सेफ्टी ड्यू टू, यानी जो एलएचबी कोचेज है वह पैसेंजर को बेटर कंफर्ट्स के साथ वह सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है, वह इसमें क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है कि यह फायर रिटार्डेंट मटेरियल्स को यूज में लेता है, साथ ही साथ इसमें जो इमरजेंसी ओपनेबल विंडोज भी प्रोविजंस इसमें दिया गया है प्रावधान है, साथ ही साथ इसमें वर्टिकली इंटरलॉक्ड सेंटर बफर कपलर होता है जिससे जो कोचेज हमारे होते हैं वह एक्सीडेंट के दौरान एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, क्योंकि इसमें हमारा एच टाइप CVC लगा होता है जो कि
एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स के साथ आते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव कॉजेज हो सकते हैं जो कि इसमें बेटर कंफर्ट्स प्रोवाइड कराने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वन माइक्रोन इज इक्वल टू, यानी एक माइक्रोन किसके बराबर होते हैं। तो एक माइक्रोन की अगर बात करें हम, तो यह मेनली वन बाई हजार एमएम में, यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए थे एमएम में यहाँ पर लेंगे। और यहाँ पर अगर बात करें नेक्स्ट स्टेप्स की, तो यहाँ पर सीधे सीधे पॉइंट डबल जीरो वन एमएम इसका आ जाएगा, यानी वन माइक्रोन जो होगा वो इक्वल होगा पॉइंट डबल जीरो वन एमएम के बराबर में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए फिलर गेज इज यूज्ड टू चेक, यानी एक फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है किसको चेक करने के लिए। तो जो क्लियरेंस होते हैं दो पार्ट्सों के बीच, जो मैटिंग पार्ट्स होते हैं, गैप्स होते हैं, उसको यह मेनली मेजर करने के लिए वह इसका उपयोग किया जाता है फिलर गेज का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर डी, क्लियरेंस बिटवीन टू पार्ट्स टू चेक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग ऑफ ट्रैक्स एंड स्पोक्स ऑफ ड्राइविंग व्हील्स, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है ट्रैक्स एंड स्पोक्स जो ड्राइविंग व्हील्स होते हैं उसके स्पोक्स के रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर बात करें ट्रैक्स और स्पोक्स जो ड्राइविंग व्हील्स के रिपेयर करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसे हम थर्मिट वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के जो प्रक्रिया में यहाँ पर जैसे ये ट्रैक्स हो गए और इसमें हमें जैसे जॉइंट करना होता है, यहाँ पर हम मटेरियल को पुट करते हैं और यहाँ पर हम इसमें फायर्स को लगाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा दोनों धीरे धीरे यहाँ पर दोनों जॉइंट्स हो जाते हैं, जिसका प्रक्रिया को हम थर्मिट वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। ये ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है वह इसका प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो एलएचबी कोचेज हैव बीन प्रोवाइडेड विथ, यानी एलएचबी कोचेज जो है वह प्रोवाइडेड होते हैं एच टाइप सीबीसी कपलर के साथ जो कि एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स के साथ आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिटेशंस ऑफ लीव Not due granted on medical certificate during the entire period of service। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो maximum limitations है leave not due का grant करने का medical certificate पर पूरे service काल में, तो यह जो अगर बात करें maximum leave not due की, तो यह maximum जो रखा गया वह 360 days रखा गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन एवरेज पे एट टाइम डेट अ रेलवे सर्वेंट में बी ग्रांटेड, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो मैक्सिमम पीरियड कितना लीव ऑन एवरेज पे, यानी एलएपी कर्मचारी को एक बार में कितना ग्रांट किया जा सकता है, तो 180 डेज एक बार में सेंक्शन किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, या एक मैक्सिमम लिमिट होता है, यहाँ इससे ऊपर वह सैंक्शन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बेन नो लीव इज एडमिसिबल अंडर एनी अदर रूल्स द लीव ग्रांटेज इज नोन एज, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब कोई भी लीव एडमिसिबल करना पॉसिबल ना हो किसी भी रूल के अन रूल के मुकाबले में, तो उस समय जो लीव ग्रांट किया जाता है कर्मचारी को उसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी डेज ऑफ एलएचपी कैन बी एक्युमुलेटेड टू एन एम्प्लॉयज इन हिज सर्विस, यानी पूरे जो सर्विस काल में कर्मचारी के द्वारा जो लीव ऑन हाफ एवरेज पे, यानी एलएचपी की बात यहाँ पर किया जा रहा है कि उसको संचय किया जा सकता है। तो कर्मचारी अगर बात करे एलएचपी यानी लीव ऑन एवरेज पे
हाफ एवरेज पे की यहाँ पर बात किया जा रहा है कि इसको जो एक्युमुलेटेशन की अगर बात करें तो यह अनलिमिटेड होता है, इसे आप अनलिमिटेड एक्युमुलेट कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें एलएपी की लीव ऑन एवरेज पे की, तो यह केवल और केवल कर्मचारी 300 प्लस 15 डेज तक ही एक्युमुलेट कर सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न से आप कन्फ्यूज ना हो, यहाँ पर एलएचपी पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी अनलिमिटेड इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एलएपी सेल बी क्रिएटेड टू रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ, यानी जो एलएपी कर्मचारी को लीव ऑन एवरेज पे जो कर्मचारी को अकाउंट में जो क्रिएट किए जाते हैं वो कितने दर से क्रिएट किए जाते हैं। तो मेनली अगर बात करें तो 2.5 डेज पर मंथ या अर्न किए जाते हैं कर्मचारी के द्वारा, और यह 6 मंथ पर अगर बात करें तो यह 15 डेज आता है 6 मंथ पर, जो कर्मचारी के प्रत्येक 1 जनवरी और 1 जुलाई को यह 15-15 एलएपी यानी टोटल 30 एलएपी पर ईयर या इसको अकाउंट में क्रिएट किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में केवल और केवल पूछा गया था कितने दर से उसे क्रिएट किए जाते, तो 2.5 डेज जो पर मंथ होता है वह क्रिएट और एक साथ 15 डेज एलएपी 6 मंथ के अंतराल पर क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पैटर्निटी लीव, यहाँ पर पीएल की बात किया जा रहा है, इज एडमिसिबल विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन फॉर अ पीरियड ऑफ, यानी जो मेल रेलवे कर्मचारी को जो पैटर्निटी लीव दिया जाता है वो उसकी जो टाइम पीरियड रखा गया है वो 15 डेज रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह कर्मचारी को 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन तक ही प्रोवाइड करवाया जाता है और इसको लेने का जो समय अवधि रखा गया है वो डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड से 6 महीने के अंदर ही लेना पड़ता है, अदरवाइज पैटर्निटी लीव को लैप्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द फोनिक बिल स्क्रूज शुड बी टाइटेंड विथ, यानी जो फोनिक बिल लगा होता है एक्सल पर एलएचबी कोचेज में, उसके जो स्क्रू लगे होते हैं छोटे छोटे उसको टाइट करने के लिए जो टॉर्क वैल्यू का रिक्वायरमेंट होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर फोनिक बिल स्क्रू की, तो इसमें मेनली जो बोल्ट यूज किए जाते हैं वो M8x35mm वाले बोल्ट इशू यूज किए जाते हैं इसमें, जिसका अगर बात करें तो यह इसका M8 जो है इसका डाया हो गया और 35 इसका लेंथ होता है, जिसको अगर बात करें टाइट करने के लिए जो टॉर्क यूज किए जाते हैं वह 21 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसे यूज किया जाता है टाइट करने के लिए फोनिक व्हील स्क्रू को। तो यहाँ पर हमसे केबल टॉर्क वैल्यू पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी 21 न्यूटन मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, द टॉर्क रिक्वायर्ड टू टाइटन लॉकिंग प्लेट CBC या LHB कोच, यहाँ पर प्रश्न में या तो यहाँ पर CTRB होनी चाहिए था लॉकिंग प्लेट ऑफ CTRB LHB कोचेज इज, यानी जो हमारा लॉक टाइटन करने के लिए जो बोल्ट यूज किया जाता है CTRB के अंतर्गत LHB कोचेज में, वो हमारा 200 न्यूटन मीटर्स का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, और इसमें जो बोल्ट यूज किया जाता है वो M20 यानी 20mm वाले जो डाया होते हैं उस बोल्ट का यूज किया जाता है CTRB को टाइट करने के लिए लॉकिंग प्लेट्स को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ब्रेक डिस्क डायमीटर ऑफ फिएट बोगी इज, यानी जो फिएट बोगी में जो ब्रेक डिस्क का यूज किया जाता है उसका डायमीटर यहाँ पर पूछा गया है। ये इस प्रकार का हमारा ब्रेक डिस्क लगा होता है, प्रत्येक एक्सल पर इसकी संख्या 2 की संख्या में होते हैं। इसके अगर डाया की अगर बात करें हम, इसका डाया 640mm, वहीं अगर बात करें इसके थिकनेस की यानी मोटाई की, इसका थिकनेस 110mm, जब यह रिड्यूस होकर 96mm पर आ जाता है तो इसे हम सर्विस से कंडम कर देते हैं, और इस पर जो छोटे छोटे फिन्स प्रोवाइड करवाए रहते हैं होते हैं वह मेनली जो कूलिंग पर्पस होता है ब्रेकिंग के दौरान वह इसके लिए ही प्रावधान होता है कि वह फिन्स प्रोवाइड करवाए जाए, साथ ही साथ इसकी लाइट एक्सल का जो वेट है उसे
काफ़ी हल्का रखा जाए इसके लिए भी इस पर फीस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें ब्रेक डायमीटर्स की, तो यह ऑप्शन नंबर सी 640 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द एयर गैप बिटवीन द रोटेटिंग गियर्स एंड सेंसर ऑफ स्पीड सेंसर ऑफ द LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज में जो प्रत्येक एक्सल में स्पीड को सेंस करने के लिए हमारा स्पीड सेंसर लगा होता है, फोनिक व्हील लगा होता है, दोनों को स्पीड सेंस करके वह माइक्रो प्रोसेसर को भेजता है और वही हमारा जो WSPC डिवाइस है वो हमारा व्हील को स्किड होने से बचाने का काम करता है। तो इसी में पूछा गया है हमसे कि जो फोनिक व्हील का जो रोटेटिंग गियर जो होता है जिस पर हमारा 80 तीर्थ लगे होते हैं और जो स्पीड सेंसर का जो सेंसर होता है दोनों के बीच गैप पूछा गया है कि एयर गैप कितना होता है। तो इस बात करें एयर गैप की तो 0.9 से लेकर 1.4 mm का गैप हमारा होता है नॉर ब्रेमसे में। वहीं अगर बात करें हम 1 से लेके 2 mm तक का गैप होता है हमारा एयर गैप, वो हमारा फैबली में होता है। क्योंकि यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया है, न ही यहाँ पर कोई भी इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन इस प्रकार गलत हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रहे कि आपका जो नॉर्ड ब्रेमसे में 0.9 से लेकर 1.4 mm का गियर गैप होता है फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर के बीच, साथ ही साथ जो हमारा फैबली कंपनी का जो होता है उसमें 1 mm से लेकर 2 mm के बीच इसका एयर गैप प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वाइल अटेंडिंग बिल्डिंग रिपेयर्स ऑफ अंडर फ्रेम ऑफ LHB कोचेज इफ DC वेल्डिंग मशीन इज यूज्ड देन इलेक्ट्रोड इज टू बी कनेक्टेड विथ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब भी बिल्डिंग रिपेयर किया जाता है अंडर फ्रेम LHB कोचेज का अटेंड करते समय, जब जो बिल्डिंग मशीन है वो DC का यूज किया जाता है तो उस दौरान जो इलेक्ट्रोड है वो कनेक्ट किया जाना चाहिए किससे। तो जब भी अगर बात करें DC बिल्डिंग मशीन अगर यूज किया जाता है LHB कोचेज के अंडर फ्रेम को रिपेयर करने के लिए, बिल्डिंग करने के लिए, तो उस दौरान जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया जाना चाहिए वो पॉजिटिव टर्मिनल्स जो मशीन्स के होंगे वहाँ से कनेक्ट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द मशीन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाइट ऑफ CBC ऑफ वर्क्स ऑफ आउट LHB कोच अंडर इट्स टेयर कंडीशन शुड बी, यानी यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जो वर्कशॉप से जो LHB कोचे निकलते हैं तो उस दौरान जो CBC का हाइट होना चाहिए टेयर कंडीशन में वो कम से कम कितना रेंज में होनी चाहिए। तो जब भी वर्कशॉप से अगर कोई LHB कोचे निकले तो अगर खाली स्थिति की बात की जाए तो इसमें उसका जो होना चाहिए वो 1090 से लेकर 1105 mm के बीच में इसका रेंज होनी चाहिए हाइट ऑफ CBC का। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इलेक्ट्रोड यूज्ड फॉर बेल्डिंग फॉर क्रैक्स ऑन सोल बार ऑफ LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज के जो सोल बार से जो क्रैक्स आते हैं उसको बेल्डिंग करने के लिए जो इलेक्ट्रोड यूज में लिया जाता है वह D2 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है अंडर फ्रेम कंपोनेंट्स ऑफ LHB कोचेज सेल रिक्वायर्ड टू रिपेयर और रिप्लेस वेन, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो LHB कोचेज के जो अंडर फ्रेम के जो कंपोनेंट्स है उसे रिक्वायरमेंट होता है रिपेयर करने या रिप्लेस करने के, जब उसका जो थिकनेस होता है अगर 20% से एबव हो जाए तो उस दौरान हम उसे रिपेयर या रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है अटेंडेंट एज डिफाइंड इन पास रूल्स मीन, यानी जो परिचारक होते हैं अटेंडेंस होते हैं उसे डिफाइंड किया गया है पास रूल के अंतर्गत कि यह पर्सन एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयड ऑन सैलरी इन पर्सनल सर्विस ऑफ अ रेलवे सर्वेंट, यानी रेलवे सर्वेंट के जो पर्सनल सर्विस सैलरी पर जो एम्प्लॉयड होगा पर्सन उसे पास रूल के अंतर्गत अटेंडेंट के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा
वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, विच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर इंश्योरेंस ऑफ मेजर पेनाल्टी चार्ज शीट ऑन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। यहां पर बोला जा रहा है कि किस प्रकार के स्टैंडर्ड फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है बड़ी शास्ती की जारी करने के लिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के दौरान। तो यहाँ पर हम बात करें मेजर पेनाल्टी के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसके लिए जो मेनली चार्जशीट इशू की जाते हैं वो SF5 इशू की जाते हैं। चूँकि यहाँ पर प्रश्न में ऑप्शन में हमारा बी और सी में दोनों में दिया गया है, तो बी और सी दोनों यहाँ पर सही उत्तर हो सकते हैं। इसके अलावा जो माइनर पेनाल्टी होते हैं छोटी शास्ती, इसके लिए कर्मचारी को SF11 इशू किए जाते हैं। वहीं अगर बात करिए, अगर ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन की अगर बात करें, हम सस्पेंशन के लिए SF1 और डिम्ड सस्पेंशन के लिए SF2 इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, बियर अपॉइंटिंग अथॉरिटी आर नॉट अवेलेबल, हु शुड बी ट्रेटेड एज अपॉइंटिंग अथॉरिटी। यहां पर बोला जा रहा है कि जहां पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी उपलब्ध ना हो तो वहाँ पर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी ट्रीट किए जाएंगे वो कौन सा ऑफिसर्स होंगे। तो उस कंडीशन में जहाँ पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी अवेलेबल ना हो तो उस दौरान जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कंसीडर किए जाएंगे वो GM यानी जनरल मैनेजर उस जोन का कंसीडर किए जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वेन कैजुअल लेबर्स कैन बी गवर्न अंडर द रेलवे डिसिप्लिनरी रूल्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कब कैजुअल लेबर्स को रेलवे डिसिप्लिनरी रूल्स के अंतर्गत गवर्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि गवर्न करने के जो रूल्स होते हैं कि आफ्टर अटेंडिंग टेम्प्रोरी स्टेटस, एंड जब भी वो टेम्प्रोरी स्टेटस को अटेंड कर चुका हो तो कैजुअल लेबर्स को भी डिसिप्लिनरी जो रूल्स होते हैं उसके अंदर गवर्न किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीन अ रेलवे एम्प्लॉयज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बट ओनली अ माइनर पेनाल्टी इज इम्पोज्ड, द ट्रीटमेंट ऑफ द सस्पेंशन पीरियड इज एज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो रेलवे एम्प्लॉयज है अगर वह सस्पेंशन पीरियड में हो, साथ ही साथ केवल और केवल माइनर पेनाल्टी के साथ हो, तो इस दौरान जो उसका समय पीरियड को ट्रीट किया जाएगा वो एज अ ड्यूटी, जो सस्पेंशन पीरियड होगा एज अ ड्यूटी उससे ट्रीट किए जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए रेलवे सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इफ ही हैज बीन पुट इन पुलिस कस्टडी फॉर अ पीरियड ऑफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई रेल कर्मचारी को डिम्ड सस्पेंशन के अंतर्गत तब प्लेस किए जा सकते हैं, सस्पेंड किए जा सकते हैं जब वह पुलिस कस्टडी में अगर वह 48 आवर से ज़्यादा अगर स्टिट करता है टाइम पीरियड, तो उसके बाद कर्मचारी को जब से उसे पुलिस हिरासत में लिया गया होगा वहाँ से उसे डिम्ड सस्पेंशन कर दिए जाएंगे, और इस दौरान जो कर्मचारी को स्टैंडर्ड फॉर्म 2 इशू किए जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक्सटेंडिंग 48 आवर्स। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, द फॉलोइंग आर नॉट इन पेनाल्टी अंडर D&A रूल्स। यानी यहां पर चार ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें बोला जा रहा है कि जो अनुशासन एवं अपील नियम रूल्स जो 1968 में आया था, इसमें जो पेनाल्टी, इसमें से कौन सा पेनाल्टी के अंतर्गत नहीं आता है। तो सेंस्योर जो है वह स्टैंडर्ड फॉर्म 1 के अंतर्गत, जो हमारा SF11 जो आते हैं माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आता है, स्टॉपेज ऑफ पास और PTO जो होता है वो सारे के सारे हमारे छोटी शास्ती जो स्टैंडर्ड फॉर्म 11 जो इशू किए जाते हैं उसके अंतर्गत ये कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन वार्निंग जो है वो किसी प्रकार का पेनाल्टी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट अलाउड टू इंगेज एज ए डिफेंस काउंसिल। यानी जो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं इसमें से पूछे जा रहे हैं कि किस प्रकार के पर्सन को अलाउड नहीं किया जा सकता है
इंगेज होने के लिए एज ए डिफेंस काउंसिल के तौर पर इंगेज होने के लिए कंसीडर नहीं किया जा सकता, अलाउ नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो लीगल जो पिटिशनर होंगे उसको एज ए डिफेंस काउंसिल अलाउ नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच अथॉरिटी टू कट इन पेंशनरी बेनिफिट्स, यानी कौन सा अथॉरिटी जो है वो पेंशनरी बेनिफिट्स को कट करने में सक्षम होते हैं। तो इसमें जब भी कर्मचारी अगर रिटायरमेंट हो गया हो, वह पेंशन ले रहा हो, तो उस दौरान अगर पेंशन में कोई कटौती वगैरह करना हो, तो यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही ये पावर हो सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वही आफ्टर रिटायरमेंट वह पेंशन में कटौती करना हो वह कैपेबल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन इंक्वायरी इज नॉट नेसेसरी, यानी किस कंडीशन में इंक्वायरी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो इसमें जब जो चार्जेज है वह सीईओ के द्वारा एडमिटेड किए गए हों, तो इस दौरान इंक्वायरी के भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर जो चार्ज ऑफिशियल्स होते हैं उनके द्वारा अगर चार्जेज एडमिट किए गए हैं तो इस दौरान इंक्वायरी नहीं होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश मेटल इज यूज्ड इन बॉयलर सेफ्टी प्लग, यानी बॉयलर जो सेफ्टी प्लग में जो मेटल प्रयोग किए जाते हैं वह मेनली लेड होते हैं, यानी जिसे हम सीसा हिंदी फॉर्म में बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश टेस्ट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट्स ऑफ द एक्सल्स, यानी जो एक्सल्स के जो इंटरनल फॉल्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वह मेनली यूएसटी टेस्ट यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ जोनल रेलवे, यानी जोनल रेलवे में जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जो हायर अथॉरिटी होते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, वो मेनली पीसीएमई यानी प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश हार्डनेस इंक्रीज इन केस हार्डनिंग, यानी केस हार्डनिंग में जो किस प्रकार का हार्डनेस इंक्रीज करता बढ़ता है, या एक्सटर्नल और इंटरनल किस प्रकार का। तो यहाँ पर अगर बात करें, जब भी केस हार्डनिंग की प्रक्रिया होती है तो इसमें जो हार्डनेस इंक्रीज होता है वह एक्सटर्नल हार्डनेस इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए ए सी का यहाँ पर अगर बात करें फुल फॉर्म की, तो एवरेज एनुअल कंजप्शन या एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन होता है, जो कि स्टॉक जो आइटम होते हैं उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश टाइप ऑफ डिफेक्ट्स कैन बी डिटेक्टेड इन डीपीटी टेस्ट, यानी डाई पेंट्रेंट जो टेस्ट होते हैं उसमें किस प्रकार को डिटेक्ट करने के लिए या यूज में लिया जाता है। तो जो सरफेस टाइप के जो डिफेक्ट्स है हमारा, उसके डिटेक्ट करने के लिए, जिस पर जो क्रैक्स वगैरह आते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए हम डीपीटी डाई पेंट्रेंट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें हम ऑप्शन नंबर की, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरफेस क्रैक को जब भी हमारा आरओएच या जो पीओएच वगैरह ओवरहॉलिंग के लिए जो हमारा कोचेज या बैगन्स या हमारा लोको वगैरह जाते हैं, उस दौरान हमारा डाई पेंट टेस्ट जो उसमें हमारे रेड कलर्स व्हाइट कलर अलग अलग तरह के स्प्रे का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारा जो उस पर कोई क्रैक्स वगैरह आते हैं तो उसको हम आइडेंटिफाई इस स्प्रे के माध्यम से हम कर लेते हैं। यह एक प्रकार का एनडीटी टेस्ट होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मशीन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग गियर टीथ, यानी जो मशीन का प्रयोग किया जाता है गियर टीथ को बनाने के लिए वह माइलिंग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, POH of ICF coach is done at the interval of dash month, यानी जो
ICF कोचेज का जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किया जाता है वह 18 मंथ के अंतराल पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी जो POH है वो 18 मंथ्स और इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग यानी IOH जो किया जाता है ICF कोचेज का वह 9 मंथ के अंतराल पर किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मिनिमम बफर हाइट ऑफ कोचेज फ्रॉम रेल लेवल इज डैश एमएम, यानी जो कोचेज का जो मैक्सिमम बफर हाइट होता है रेल लेवल से वह 1105 एमएम होना चाहिए मैक्सिमम। मैक्सिमम जो होता है वह 1105 एमएम होता है और मिनिमम जो होता है वह 1030 एमएम होना चाहिए। क्योंकि प्रश्न में मिनिमम पूछा गया था तो यहाँ पर 1030 एमएम इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मिनिमम फ्लेंज थिकनेस इन वॉर्न व्हील प्रोफाइल इज, यानी जो WWP होता है वॉर्न व्हील प्रोफाइल, इसमें जो फ्लेंज थिकनेस का जो मिनिमम जो डायमेंशन रखा गया है वो 20 एमएम रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन वन LHB कोचेज, यानी एक LHB कोचेज में जो नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर प्रयोग किए जाते हैं उसकी संख्या कितने संख्या में है। तो चूंकि प्रत्येक एक्सल में हमारा 0-2 की संख्या में हमारा ब्रेक सिलेंडर पर एक्सल में यूज किए जाते हैं, चूंकि हमारा टोटल 4 एक्सल होते हैं कोचेज के अंतर्गत, तो इस प्रकार हमारा टोटल 8 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर प्रत्येक कोचेज में LHP कोचेज में हमारा यूज किए जाएंगे। जिसकी अगर बात करें हम डाया की, तो यह मिल ली 10 इंच यानी 255 mm के अप्रोक्स की डायमीटर होता है। वहीं अगर बात करें ब्रेक सिलेंडर की पिस्टन की, तो यह मेनली 21 mm इसका पिस्टन स्ट्रोक होता है। वहीं इसके अलावा अगर बात करें हम तो जो LHB कोचेज का जो मैक्सिमम प्रेशर होता है LHB कोचेज के ब्रेक सिलेंडर का, वह मैक्सिमम 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही केवल मैक्सिमम प्रेशर होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर की, नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर का LHB कोचेज के अंतर्गत तो वो 8 की संख्या में होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सॉफ्ट शेड्यूल 2 ऑफ LHB कोचेज इज डन इन द इंटरवल ऑफ डैश मंथ, यानी जो LHB कोचेज का जो सॉफ्ट शेड्यूल 2 किया जाता है वो कितने अंतराल पर किए जाते हैं। तो सॉफ्ट शेड्यूल 2 की अगर बात करें हम, तो यह मेनली 3 ईयर्स जिसे 36 मंथ भी आप बोल सकते हैं, या 12 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस बेसिस पर हम सॉफ्ट शेड्यूल 2 LHB कोचेज का कंडक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 36 मंथ के अंतराल पर सॉफ्ट शेड्यूल 2 LHB कोचेज का किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एक्सल लोड ऑफ AC कोचेज इज, यानी AC कोचेज का जो एक्सल लोड कैपेसिटी होता है वह 16.25 टन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, प्राइमरी सस्पेंशन यूज्ड इन फिएट बोगी इज, यानी फिएट बोगी जो LHB कोचेज में यूज किए जाते हैं इसमें प्राइमरी जो सस्पेंशन होते हैं वहाँ पर हमारा कॉइल स्प्रिंग लगा होता है प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर के साथ शॉक के ऑब्जर्व करने के लिए। तो जो कि जो हमारा स्प्रिंग लगा होता है वह डबल नेस्टेड कॉइल स्प्रिंग होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर
ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी बाई, यानी जब भी एक्सीडेंट के दौरान अगर कोचिंग स्टॉक का अगर एक्सीडेंट होता है और उसमें ह्यूमन लाइफ भी शामिल हो तो उस दौरान जो इंक्वायरी किए जाएंगे वह CRS यानी कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत CRS आते हैं, तो यह मेनली जो सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री होता है उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह CRS आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हाट डू यू मीन बाई FRP, FRP से क्या समझते हैं, तो यह एक फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक होते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, हाउ द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इन ICF कोचेज, यानी ICF कोचेज में जो बॉडी का वेट ट्रांसफर किया जाता है ट्रॉली के ऊपर कैसे किया जाता है, तो यह मेनली साइड बेयर के माध्यम से किए जाते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर बात करें अगर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, द ड्रॉ एंड वफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन LHB कोचेज इन कोचेज इज थ्रू, यानी जो कोचेज के अंतर्गत, यहां पर केवल कोचेज पूछा गया है कि जो उसका जो ड्रॉ एवं वफिंग फोर्स का ट्रांसमिशन होता है वह मेनली सेंटर पिवट के माध्यम से होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, सोल बार ऑफ ICF कोच इज कंसिस्ट ऑफ, यानी जो ICF कोचेज का जो सोल बार होता है वो बना होता है जेड सेक्शंस के शेप में। यहां पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हाट इज कलर कोड ऑफ बी ग्रुप कॉइल स्प्रिंग, यानी जो बी ग्रुप कॉइल स्प्रिंग के लिए जो कलर रंग कोड यूज किया जाता है वो कौन सा है, तो चूंकि तीन प्रकार के कलर कोड यूज किए जाते हैं जिसमें हमारा ए में हमारा येलो, बी में हमारा ऑक्सफोर्ड ब्लू, सी में हमारा ग्रीन कलर का कॉइल स्प्रिंग का यूज किया जाता है। चूंकि यहां पर प्रश्न में पूछा गया है बी ग्रुप कॉइल स्प्रिंग के रिगार्डिंग में, तो बी ग्रुप कॉइल स्प्रिंग रिगार्डिंग में पूछे गए हैं, तो बी ग्रुप का जो लिए जो कलर कोड होता है वह ऑक्सफोर्ड ब्लू होता है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ऑक्सफोर्ड ब्लू इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैच्यूटरी वेलफेयर फैसिलिटी अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948, यानी जो फैक्ट्री एक्ट 1948 लाया गया था इसके अंतर्गत जो वेलफेयर फैसिलिटी है वह नॉट स्टैच्यूटरी है, जो चार ऑप्शन इसमें कौन सा स्टैच्यूटरी यानी कंपल्सरी नहीं है इसमें, तो इसमें किरेची को शामिल किया गया है, कैंटीन को भी शामिल किया गया और फर्स्ट एड बॉक्सेस को भी शामिल किया गया है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट्स है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 यानी फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार जो वर्किंग आवर्स है 8 per day and 48 per week, यानी पर डे 8 घंटे की और प्रत्येक सप्ताह 48 आवर्स की, इसमें अगर बात करें तो मेनली इसमें जो इंक्लूडेड जो पीरियड होता है रेस्ट पीरियड उसमें इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 इज कॉल्ड, यानी वह पर्सन जिसे क्या बोला जाएगा जिसका कंट्रोल अल्टीमेट कंट्रोल होता है जो अफेयर्स होते हैं फैक्ट्री के उसकी कंट्रोल ओवरऑल कंट्रोल होता है फैक्ट्री का उसे हम ऑक्युपायर बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है,
परचेज ऑफ इम्पोर्टेड डब्ल्यू टी ए आइटम्स इज हैंडल बाय, यानी जो डब्ल्यू टी ए जो आइटम्स है उसको इम्पोर्ट करने के लिए, जो परचेज करने के लिए हैंडल किए जाते हैं, वह रेलवे बोर्ड के द्वारा किया हैंडल किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टाइम इलेप्स फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ नीड ऑफ रिकॉपमेंट ऑफ टू फिजिकल रिसिप्ट ऑफ द मटेरियल इज टर्म्ड एज, यानी जो टाइम इलेप्स लिए जाते हैं डेट ऑफ रियलाइजेशन के लिए, जब हमारा नीड ऑफ रिकॉपमेंट फिजिकल रिसिप्ट से होगा मटेरियल्स का, उसे हम जो टर्म देंगे उसे हम लेट टाइम के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फॉर हाउस होल्ड बायरिंग्स एंड स्मॉल यूनिट्स द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड फॉर सेफ्टी मेजर्स, जब भी हाउस होल्ड्स के लिए जो बायरिंग्स या स्मॉल यूनिट्स दिए जाते हैं तो इसमें किस प्रकार का सेफ्टी मेजर्स का यूज किया जाना चाहिए। तो इसमें MCB जो होते हैं, जिसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं, उसका यूज किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डेसिबल इज अ यूनिट टू मेजर, यानी जो डेसिबल यूज किए जाते हैं मेजर करने के लिए, वह साउंड का यूनिट होता है डेसिबल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सेफ्टी डिवाइसेस इन मशीन्स, यानी मशीन्स में एज अ सेफ्टी डिवाइस का जिसका प्रयोग किया जाता है, उसमें हमारा फेल सेफ, सेफ्टी इंटरलॉक्स या लिमिट स्विचेज जो होते हैं सारे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, क्लास ए फायर्स कंसिस्ट ऑफ फायर ड्यू टू, यानी जो क्लास ए फायर्स होते हैं वो फायर्स होते हैं का कारण क्या है। इसमें जो क्लास ए में हमारा जो फायर्स के जो टाइप्स होते हैं इसमें जो इंक्लूड किए गए हैं, उसमें हमारा वुड, क्लोथ्स के बाद अगर बात करें तो पेपर के बाद हम बात करें तो प्लास्टिक्स, ये सारे जो आइटम्स हैं वो क्लास ए फायर्स के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। यहाँ पर मैं ऑप्शन में केवल उड़ दिया गया जो कि ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द फॉलोइंग क्लास ऑफ फायर अकर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो फायर्स का जो होते हैं वो किस प्रकार के क्लासेस में कंसीडर किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए जो फायर्स के लिए, तो वह क्लास सी टाइप्स के फायर्स होते हैं जो अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के कारण हुआ हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्लास सी फायर्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द टाइप ऑफ बियरिंग्स डेट कैन कैरी थ्रस्ट एंड रेडियल लोड्स इज, यानी किस प्रकार का बियरिंग जो थ्रस्ट एवं रेडियल लोड्स को कैरी करने में सक्षम होते हैं, उसे टेपर्ड रोलर बियरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, टेपर्ड रोलर बियरिंग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, लेथ मिनरल्स कैन बी टर्म्ड एज अ, यानी जो लेथ मिनरल्स होते हैं उसे टर्म्ड किए जाते हैं किस तौर पर। तो इसमें अगर बात करें हम, तो उसे फिक्चर्स के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं, फिक्चर के तौर पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द चिप एलॉयिंग एलिमेंट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील्स आर, यानी स्टेनलेस स्टील के अंतर्गत जो चिप मुख्य तौर पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो इसमें मेनली जो मेन पार्ट पर्सन जो होते हैं एलिमेंट्स के, वो क्रोमियम और निकेल होते हैं स्टेनलेस स्टील के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वाइल ड्रिलिंग इन लेथ द ड्रिल इज होल्ड इन द, जब भी ड्रिल के दौरान ड्रिलिंग करते हैं लेथ में हम जब, तो उसमें जो ड्रिल को होल्ड किया जाता है वह टेल स्टॉक के तरफ किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द बेस्ट पोजिशन टू होल्ड द जॉब इन द वाइस विन फाइलिंग इज, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि बेस्ट पोजिशन क्या होना चाहिए जॉब को होल्ड करने के लिए वाइस वाइस में, जब हम फाइलिंग करते हैं वाइस के ऊपर तब जॉब को हमको होल्ड करने की रिक्वायरमेंट होता है। तो वहाँ पर जो एल्बो लेवल जो होते हैं वो उस दौरान वो जो पोजिशन होता है वह बेस्ट पोजिशन ही होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड्स इज यूज्ड ऑन मैकेनिकल जैक, यानी जो मैकेनिकल जैक वगैरह जो यूज किए जाते हैं ईएम पैड वगैरह चेंज करने के लिए या किसी भी पार्ट्स को लिफ्ट करने के लिए जो हम छोटे छोटे जैक की जो प्रयोग करते हैं उसमें जो थ्रेड्स का यूज किया जाता है वो कौन से थ्रेड्स का यूज किए जाते हैं। तो इसमें मेनली जो थ्रेड यूज किए जाते हैं वो स्क्वायर थ्रेड्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम जो हमारा नकल थ्रेड्स होते हैं, नकल थ्रेड्स का प्रयोग हम स्क्रू कपलिंग वाले जो उस पर ग्रुप बना होता है वो नकल थ्रेड्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, ए फ्लैग पोल 12 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 9 मीटर लॉन्ग, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द फार एंड ऑफ द शैडो। यहां पर बोला जा रहा है कि कोई झंडा लहराया जाता है जिसकी पोल की जो हाइट से वो 12 मीटर है और उसकी जो शैडो बनता है वो 9 मीटर बनता है। तो इस दौरान जो फाइंड डिस्टेंस इसमें फाइंड आउट करना है टॉप ऑफ पोल्स की और एंड जहां पर शैडो का हो रहा है दोनों के बीच यहाँ पर डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे इस प्रकार के प्रश्न को फाइंड आउट करने के लिए आंसर के लिए। यहाँ पर बोला गया है कि सबसे पहले यहाँ पर हम एक पोल लेंगे जिसकी हाइट यहाँ पर 12 मीटर हाई दिया गया है। तो यहाँ पर 12 मीटर हाई हो गए हैं और उसमें बोला जा रहा है कि इसका शैडो जो है वो 9 मीटर शैडो, जब यहाँ पर हम झंडे इस प्रकार लगाएंगे तो इसका शैडो यहाँ पर हमारा नीचे की तरफ बनेगा। ये हमारा शैडो वाली पार्ट्स हो गए जो कि हमारा 9 मीटर लॉन्ग है। अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस जो फाइंड करना है वह टॉप जो है पोल्स का वहाँ पर और यहाँ पर हमारा एंड हो रहा है फ्लैग की शैडो का, तो इस दोनों के बीच हम एक्स कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर यही हमें फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वह हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्स के स्क्वायर जो करेंगे वह इक्वल होगा हमारा 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर के इक्वल होंगे। यहाँ पर दोनों को जब ऐड करेंगे तो 144 12 का होल स्क्वायर आएगा और 9 के स्क्वायर 81 आ जाएगा। दोनों को आप इक्वल करके अंडर रूट डालेंगे तो 225 का 15 मीटर निकल कर आएगा जो कि आपका दोनों शैडो के जो एंड पॉइंट्स हैं और जो पोल्स के हाईएस्ट टॉप पॉइंट्स हैं दोनों के बीच के डिस्टेंस 15 मीटर निकल कर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप विल बी, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब भी कोई सॉलिड्स ऑब्जेक्ट को एक शेप से अनदर शेप में अगर हम कन्वर्जन करते हैं तो इस दौरान जो उसका वॉल्यूम है न्यू शेप का वह भी प्रीवियस के मुकाबले में सेम ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रिमेंस अनअल्टर्ड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ 9, यहाँ पर पहले 9 का जो 5 मल्टीपल्स होंगे उसका यहाँ पर औसत निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 मल्टीपल आप नोट कर ले तो 9, 18, 27, 36 और 45 यहाँ पर आपका फर्स्ट 5 मल्टीपल 9 का आएंगे। यहाँ पर सारे को एवरेज निकालना है तो सारे को आप ऐड कर ले सिंपली और यहाँ पर टोटल जो नंबर एवरेज का फॉर्मूला होता है कि समेशन ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, तो यहाँ पर टोटल नंबर्स आपका 5 होगा तो 5 से आप डिवाइड कर दें। जब सारे को जब ऐड करेंगे तो आपका 135 आएगा और 5 से आप डिवाइड कर ले सिंपली तो जो टोटल आपका एवरेज निकल कर आएगा वह 27 निकल कर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द एवरेज एज ऑफ थ्री बॉयज इज 15 ईयर्स, इफ दियर एज आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 देन द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉयज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो तीन लड़कों हैं तीनों का एवरेज एज मिलाकर 15 ईयर्स है, और इसमें अगर बात करें तीनों के एज का रेशियो 3:5:7 के रिस्पेक्ट में दिया गया है, तो इसमें सबसे छोटे वाले लड़के का कितना एज होगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर जो तीनों का एज दिया गया है 3x यहाँ पर हो जाएगा, 5x और 7x तीनों का औसत है, तो तीन से आप डिवाइड कर ले जो कि इक्वल है 15 ईयर्स के। यहाँ पर तीनों जब निकालने के लिए जाएंगे तो आपका यहाँ पर 15x/45 इक्वल हो जाएगा, 15 से 3 टाइम से 45 कट जाएगा, यहाँ पर x का वैल्यू जो निकल कर आएगा 3 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हमसे सबसे छोटे वाले लड़के के लिए एज पूछा गया था, सबसे छोटे वाले यूनिट जो है वो हमारा 3 यूनिट्स है। तो यहाँ पर सिंपली 3 × 3x के लिए हमारा वैल्यू 3 है, तो आप यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो 9 ईयर्स निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यही यंगेस्ट बॉय का एज होगा, छोटे भाई लड़के का। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, इफ एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी अलोन इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन ए कंप्लीट हिज वर्क। यानी जो ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करता है, बी अकेले 20 दिन में करता है, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप ए प्लस बी का यहाँ पर दिया गया है कि यह 15 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक। फिर यहाँ पर बात करें हम, बी जो है वो 20 डेज में कंप्लीट करता है, तो दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम जो निकल कर आएगा वो इसका टोटल वर्क निकल कर आएगा। दोनों का 15 और 20 की अगर बात करें एलसीएम की, तो इस यहाँ पर 60 निकल कर आएगा, या यहाँ पर आपका समय दिया गया है। तो यहाँ पर आप एफिशिएंसी निकालने के लिए सिंपली 1/1 करके आप डिवाइड करने का प्रयास करें, जो मल्टीपल आएगा वही आपका एफिशिएंसी यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर 15 का 4 टाइम्स में 60 कटेगा, तो यहाँ पर ए प्लस बी का जो एफिशिएंसी होगा वो 4 टाइम्स होगा, वहीं बी के लिए जो एफिशिएंसी होगा 3 होगा। यानी यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि ए और बी दोनों मिलकर 4 के स्पीड से काम करेगा, जबकि बी केवल और केवल 3 के स्पीड से करेगा। तो यहाँ पर आप सिंपली ए के लिए पूछा गया था, तो 4-3 यहाँ पर ए के एफिशिएंसी से, अगर वो अकेले काम करता है ए, तो ए के एफिशिएंसी से काम करेगा, और उसे 60 काम करने हैं, तो 60 से डिवाइड करेंगे, एक से डिवाइड करेंगे 60 में, तो उसको कंप्लीट करने में पूरे 60 दिनों का समय लगेगा अगर वो अकेले ए कंप्लीट करना चाहेगा काम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, बी सेल्स बैक टू द आर्टिकल टू ए एट अ लॉस ऑफ 10% इन दिस ट्रांजिशंस। यहाँ पर बोला गया है कि ए कोई आर्टिकल्स को 10% प्रॉफिट पर बी को भेज देता है, साथ ही साथ जो बी वापस से उसे 10% लॉस पर ए को बेचता है, तो इस ट्रांजिशंस में किसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर पूछा गया है, या क्या होगा इस दौरान। तो यहाँ पर सिंपली कोई आर्टिकल जिसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, ए यहाँ पर बात करें तो 10% प्रॉफिट पर बी को बेचेगा, तो 100 का जो 10% होगा प्रॉफिट वो सिंपली 110 में बी के लिए कॉस्ट प्राइस होगा, 110 रुपये। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि बी है वह 10% लॉस पर वह बेचता है ए को वापस से, तो 110 का 90/100 आप निकालेंगे तो आपका 99 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो ए के लिए जो कॉस्ट प्राइस था वह 100 था, वापस से 10 में बेच दिया, यहाँ पर 10 का प्रॉफिट हो गया। फिर यहाँ पर एक का 99 में वह परचेज दोबारा से कर लिया है, तो प्लस एक यहाँ पर वहाँ पर प्रॉफिट हो रहे हैं, एंड टोटल उसे 11% का प्रॉफिट ए को होगा इस ट्रांजिशंस के दौरान। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रेंस बॉर्न
एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स इच इज 50 ईयर्स व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। यहाँ पर बोला गया है कि जो 5 बच्चों का जो तीन तीन ईयर्स के अंतराल पर उसके जन्म हुए हैं, 5 बच्चों का, इसमें सारे 5 बच्चों का जो सम है वह 50 ईयर्स दिया गया है, तो इसमें सबसे जो छोटे वाले लड़के हैं उसका यहाँ पर एज पूछा गया कितने ईयर्स होगा। तो यहाँ पर सिंपली जो सबसे बड़े लड़के हैं उसे आप एक्स कंसीडर कर ले, तो यहाँ पर आप एजलेस्ट के लिए जो एक्स ईयर्स कंसीडर कर ले, और सबसे बड़े वाले लड़के अगर एक्स ईयर्स का है तो उसमें 3-3 ईयर्स के अंतराल पर यहाँ पर जन्म हुआ है, तो 3-3 ईयर्स माइनस में करते चले जाए 5 चाइल्ड तक। तो यहाँ पर सिंपली आप एक्स सबसे बड़े वाले के लिए हो जाएगा, फिर एक्स माइनस 3 जो होगा वह सेकेंड चाइल्ड के लिए हो जाएगा, फिर एक्स माइनस 6 जो होगा वह थर्ड चाइल्ड के लिए होगा, फिर यहाँ पर एक्स माइनस 9 जो होगा वह फोर्थ चाइल्ड के लिए होगा, इसी प्रकार एक्स माइनस बात करें 12 की तो वह 5वें चाइल्ड के लिए होगा। सारे का सम यहाँ पर 50 ईयर्स दिया गया है, सारे का एज टोटल 50 ईयर्स ही है, तो यहाँ पर 5x निकल कर आएगा सारे को ऐड करने पर माइनस 30 आएगा जो कि इक्वल है 50 के। तो यहाँ पर 5x जो इक्वल होगा वो 80 के इक्वल होगा, और जब 5 से 80 में डिवाइड करेंगे आपका तो 16 आएगा निकल कर, यानी जो सबसे बड़े वाले लड़के होंगे एल्डेस्ट वो आपका 16 ईयर्स का निकल कर आएगा। तो चूंकि सबसे बड़े भाई लड़के 16 ईयर्स का है तो यहाँ पर सबसे छोटे वाले जो होगा वो x माइनस 12 यानी 16 माइनस 12 होगा, यानी टोटल सबसे छोटे वाले लड़के का ईयर्स 4 वर्ष का होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में यंगेस्ट चाइल्ड पूछा गया था जो कि 4 वर्ष के होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स 0, 0, 4, 10, 5 एंड 5। यहाँ पर 6 संख्याओं दिए गए हैं, इसका एवरेज निकालना है, तो सिंपली सारे को आप ऐड कर ले, 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5, सब सारे को ऐड करेंगे और 6 नंबर्स में है तो टोटल 6 नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर जो आपका निकल कर आएगा 24/6 यानी जो एवरेज निकल कर आएगा वह 4 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट काइंड ऑफ डाटा कैन यू सेंड बाय ईमेल, यानी किस प्रकार के डाटा आपके द्वारा सेंड किए जा सकते हैं ईमेल के द्वारा। तो इसमें ऑडियो, पिक्चर या वीडियो, किसी भी प्रकार के जो डाटा है करंट में वो ईमेल के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक जो ईमेल्स होते हैं उसके द्वारा आप सेंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द मेन कंप्यूटर डेट स्टोर्स द फाइल्स डेट कैन बी सेंट टू कंप्यूटर्स डेट आर नेटवर्क्ड टुगेदर, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मेन कंप्यूटर्स होते हैं जहाँ पर हम फाइल्स को स्टोर करते हैं उसे सेंड किया गया है कंप्यूटर से नेटवर्क्स के साथ, तो उससे हम क्या बोलते हैं, तो उसे फाइल सर्वर्स के तौर पर हम जानते हैं, यानी फाइल सर्वर्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, द स्पीड ऑफ योर नेट एक्सेस टू डिफाइंड इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, यानी जो स्पीड्स होता है नेट का, इंटरनेट का एक्सेस का, उसे डिफाइंड किया जाता है किलोबाइट जो पर सेकंड होते हैं KBPS, उससे इसे डिफाइंड किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी 4 यहाँ पर रीजनिंग का फिगर दिए गए हैं, इसमें डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है कि डिफरेंस यहाँ पर कौन सा होगा। तो चूंकि यहाँ पर पहले वाले एक दूसरे और फोर्थ वाले में देख पा रहे होंगे कि तीनों में आपका जो लाइंस दिए गए हैं वह एक दूसरे से पैरेलल है, लेकिन जो थर्ड वाले हैं वह एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पर डिफरेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम, तो चूज द फिगर्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी 4 फिगर दिए गए हैं इसमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है,
तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि तीन जो है हमारा सर्किल के फॉर्म में रेक्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा थर्ड फॉर्म है वह स्क्वायर फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। एंड चार फिगर दिए गए हैं, इसमें हमारा एक डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो तीन सर्किल में आप देख पा रहे हैं कि जो इसका डायमीटर है वो प्रॉपर सेंटर से होके जा रहा है, लेकिन जो थर्ड वाले यहाँ पर जो इसका वो इसके जो सेंटर से नहीं फाइंड आउट पास कर रहे थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, सिलेक्ट सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर्स फ्रॉम द आंसर फिगर्स डेट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं, यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो कौन सा होगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सर्किल के बाद यहाँ पर इसमें जो कुछ स्ट्रोक्स है वो ऐड हो गए हैं, 8 स्ट्रोक्स ऐड हो गए हैं। तो इसी प्रकार इसमें जो होगा वो 8 स्ट्रोक्स हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा बनकर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भी इसी प्रकार का है कि सिलेक्ट सुटेबल फिगर्स फ्रॉम द आंसर फिगर्स डेट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पहले वाले में हमारा स्क्वायर बाहर है, ट्रेंगल्स अंदर है, सेकेंड वाले में हमारा स्क्वायर अंदर जाकर इम्बेड हो जा रहा है, यानी इसमें कलर हो जा रहे हैं। तो इसी प्रकार हमारा स्क्वायर अंदर जाएगा और सर्किल जो हमारा ट्राइंगल्स है वो बाहर आ जाएंगे और हमारा जो स्क्वायर है वह हमारा ब्लैकआउट हो जाएगा। इस कंडीशन में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, आइडेंटिफाई द फिगर कंप्लीट्स द पैटर्न्स। यहाँ पर जो एक तीन पैटर्न्स फॉलो किया है, चौथे में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं जिसको हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए तीनों में यहाँ पर सेंटर टू सेंटर मैच कर रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार ये सेंटर मैच कर रहा है, ये सेंटर में, तो यहाँ पर जो सही उत्तर निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, आइडेंटिफाई द फिगर डेट कंप्लीट्स द पैटर्न। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह फिगर से नीचे वाले जो है वह थोड़ा सा बड़ा हो गए हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पर सेकेंड वाले भी थोड़ा सा बड़े वाले जो शेप में होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, चूज द अल्टरनेटिव्स विच इज क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशंस। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर मिरर इमेज पूछा गया है, तो सिंपली आप एक लकीर को कंसीडर करेंगे और राइट फॉर्म में से डाइवर्ट करने का यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली दिया गया ANS43Q12 दिया गया है, तो सिंपली आप यहाँ पर मिरर इमेज यहाँ पर पूछा गया है, तो सिंपली आप ANS43Q12 के लिए जो मिरर इमेज होगा वह सिंपली आपका इस प्रकार होगा। तो यहां पर इस प्रकार अगर बात करें हम, इस प्रकार से आपका जो निकल कर आएगा, तो यहाँ पर आप ऑप्शन से मैच करेंगे मिरर इमेज के लिए, तो सिंपली आपका सेकेंड प्लेस पर आपका वन आना चाहिए था, तो सेकेंड प्लेस पर यहाँ पर वन नहीं है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पर यह गलत हो जाएगा और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि दिए गए प्रश्न के लिए मिरर इमेज होंगे।
सेकेंड नेक्स्ट प्रश्न में भी मिरर इमेज पूछा गया है, तो मिरर इमेज की अगर बात करें तो यहाँ पर मलयालम दिया गया है, तो यहाँ पर मिरर इमेज के लिए जो हमारा ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये भी हमारा उल्टा यहाँ पर ये हमारा वाटर इमेज दिया गया जो कि गलत हो जाएगा, यहाँ पर मिरर इमेज पूछा गया है और यहाँ पर ये सिंपल सीधे फॉर्म में दिए गए हैं तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी केवल और केवल बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो दिए गए हैं, फाइंड आउट द अमंगस्ट द फोर अल्टरनेटिव्स एज टू हाउ द पैटर्न वुड अपियर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट बी इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइंस, यानी जो ट्रांसपेरेंट शीट्स है जिसमें डॉटेड लाइन मेंशन किया जब उसे फोल्डेड करेंगे तो उस दौरान हमारा जो शेप आएगा वो क्या होगा। तो ये हमारा पहला इमेज दिया गया है, जब आप इस प्रकार को अगर करेंगे पहले से ये आपका ये सर्किल दिया गया, जब यहाँ वाला सर्किल जब पुनः इस पर आएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा और ये वाला शेप है जब इस लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इस तरह से कंसीडर होगा जो कि सर्किल के ऊपर ही होंगे। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, लुक एट द सीरीज 2, 1/2 and 1/4 व्हाट नंबर्स कम नेक्स्ट, यहाँ पर सिंपली 1/2, 1/4 है, यहाँ पर सिंपली हाफ हाफ होते जा रहा है तो यहाँ पर 1/8 नेक्स्ट सीरीज इसका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, लुक एट द सीरीज 7, 10, 8, 11, 9 और 12 व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट, यहाँ पर सिंपली 7 के बाद 8 आए हैं, फिर यहाँ पर 9 और यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पर 10 के बाद 11 है, 11 के बाद 12 है, तो यहाँ पर आपका 9 के बाद जो नंबर्स आएंगे वो 10 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, लुक एट द सीरीज 5.2, 4.8, 4.44 and what number should be next, यहाँ पर सिंपली जो -0.4 का प्रत्येक में यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो 4 में जब आप माइनस जो 0.4 डिडक्ट करेंगे आप तो आपका 3.6 निकल कर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यही इसके जो सीरीज का नेक्स्ट नंबर्स होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का जो राजभाषा है वो इंग्लिश है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी, जो केंद्रीय हिंदी कमेटी के जो चेयरमैन अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पार्लियामेंट्री जो कमेटी है संसदीय समिति इसके अध्यक्ष होम मिनिस्टर होते हैं, जो केंद्रीय होम मिनिस्टर होते हैं वह पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वेयर इज द फर्स्ट नेशनल हिंदी म्यूजियम ऑफ कंट्री बीइंग सेटअप, जो भारत जो पहले हिंदी नेशनल म्यूजियम जो सेटअप किया गया है पहला देश के अंतर्गत वो कहाँ पर सेटअप किया गया है, तो यह बात करें अगर तो कोलकाता होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की जो प्रश्न है उसका आप कमेंट में जवाब बताएं क्या इसका सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु प्रिपेयर्स द एनुअल प्रोग्राम्स ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी राजभाषा पर जो एनुअल प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं वह किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो यह होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स पास्ट, यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स है वो कब पारित किया गया था, तो यह 17 जुलाई 1976 को ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स लाया गया था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट
इसको पारित किया गया था 10 मई 1963 को। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, हु इज द फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंडिया, यानी भारत के पहले राष्ट्रकवि कौन थे? तो यह मैथिली शरण गुप्त इसका सही उत्तर होना चाहिए। यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हेन डिड सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कम इनटू फोर्स, यानी धारा 33 जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का है वो कब प्रभाव में आया था? तो यह 26 जनवरी 1965 को यह प्रभाव में आया था। यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी, यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी जो है OLIC, इसका जो मीटिंग का अधिकता होता है वो 3 महीने में एक बार कंडक्ट करवाया जाता है, यानी वंस इन अ 3 मंथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछे जाते हैं, TOLIC यानी टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी, इसका मीटिंग 6 महीने में यानी वंस इन 0.6 मंथ पर होते हैं, यानी 6 महीने में TOLIC का मीटिंग होता है, जबकि OLIC का मीटिंग 3 मंथ के अंतराल पर किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर बात करें अगर, तो वेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान के द्वारा हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज और देवनागरी लिपि में को एज स्क्रिप्ट के तौर पर अपनाया गया था 14 सितंबर 1949 को। इसी दिन से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, इन बीच स्क्रिप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी रिटेन, यानी जो ऑफिशियल राजभाषा हिंदी है उसे लिखा जाता है देवनागरी स्क्रिप्ट में, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।